हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वर्ष? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1897 में। देखिए, स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण मिशन परमहंस के परम शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। सही आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी निकलती है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। सही आंसर है ऑप्शन बी, और दामोदर नदी यह छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 के नियम 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? देखिए, दीवान ए अर्ज यह संबंधित था सैन्य विभाग से। सही आंसर है ऑप्शन सी, सैन्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? देखिए, इब्न बतूता यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है कूटपाद के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, कूटपाद। और अमीबा यह कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करता है। कूटपाद भोजन के अणु के दोनों ओर से फैलता है और अंत में भोजन को निगल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 9B में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? देखिए, सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। सही आंसर है ऑप्शन डी, और सौर मंडल के भाग हैं क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु और ग्रह। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी, सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी मरुस्थल है डैश? देखिए, गोभी मरुस्थल यह है चीन में। सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन में। और गोभी मरुस्थल यह उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। देखिए, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। डैश देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। डैश सही आंसर है ऑप्शन डी, पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। देखिए, पंचायती राज प्रणाली यह है राज्य सूची में। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है। देखिए, झुमरी तलैया यह है झारखंड राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। देखिए, झुमरी तलैया यह झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रंग का उपयोग हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, कर्नाट वंश इसका संस्थापक थे नान्य देव। सही आंसर है ऑप्शन ए, नान्य देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक यह स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। देखिए, मोपला विद्रोह यह हुआ था केरल में। सही आंसर है ऑप्शन सी, और मोपला विद्रोह यह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ, और यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा राव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है। देखिए, भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। डैश सही आंसर है ऑप्शन बी, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। डैश देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी यह होती है ठोस। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। डैश देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए यह भंडारित होता है यकृत में। सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।